गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग कहाँ पे हैं, तो ये है सभ्यता द्वार पटना, जो गंगा नदी के किनारे और ज्ञान भवन के पीछे में है। और ये जो ज्ञान भवन है ये आपका गांधी मैदान के ऑपोजिट में है, गेट नंबर 4 के सामने। तो इस तरह सीढ़ी है सभ्यता द्वार के ऊपर में चढ़ने के लिए, और यहाँ हर टाइम गार्ड्स इस तरह रहते हैं। और इधर भी बहुत ही सुंदर सा बनाया गया है टूरिस्ट जैसा, काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, घूमने के लिए लोग आते रहते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लाइटिंग है, म्यूजिक है, फुहारा है, इस तरह गार्डन है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे सभ्यता द्वार के बारे में कुछ लिखा गया है, भवन निर्माण विभाग द्वारा। तो इधर से भी हम लोग देख सकते हैं, ये दोनों साइड से, ये जो सभ्यता द्वार है उसके साइड में दोनों साइड इस तरह कुछ लिखे हुए हैं, और उस साइड भी लिखा हुआ है। काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है सामने में यहाँ पे टाइम स्पेंड करने पे। तो अगर पटना में आप लोग सभ्यता द्वार के बारे में नहीं जानते हैं तो ज्ञान भवन के अपोजिट में है सभ्यता द्वार, आप लोग यहाँ पे आके घूम सकते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी इन्जॉय करेंगे और देखने में भी बहुत ही सुंदर है। और ये है गंगा नदी, और यहाँ से ये फ्रंट में इस तरह से सभ्यता द्वार है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों साइड में लिखा हुआ है, और ऊपर में अशोक स्तंभ है। और सभ्यता द्वार के टॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक स्तंभ है, जो चार टाइगर। टाइमिंग यहाँ ऑफ हो चुका है, गार्ड्स बेसल बजा रहे हैं, सबको बाहर निकाल रहे हैं। और देख सकते हैं लाइटिंग कितनी सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल था व्यूज़। और अंधेरा हो गया था, लेकिन आप लोग को अंधेरा दिख नहीं रहा, एकदम पूरा आसमान ब्लू ब्लू दिख रहा है, लेकिन एकदम अंधेरा हो गया था। और व्यूज़ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ छोटे छोटे फाउंटेन हैं, म्यूज़िक लगाया गया है। और ये है ज्ञान भवन का गेट इंट्रेंस, ये रहा गेट। और यहाँ लगा है इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, तो यहाँ भी हम लोग जाएंगे और यहाँ भी कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और देखेंगे क्या कुछ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। तो चलिए अंदर घुसते हैं, तो एक बार यहाँ से नज़ारा हम लोग देख लेते हैं गेट का, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे है ज्ञान भवन। तो ये रहा इसका मेन गेट, और गेट के बाहर रोड है, रोड के उस पार आपको गांधी मैदान मिलेगा। तो ये रहा ज्ञान भवन, और यहाँ से है एंट्रेंस, तो यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे और घुसने के साथ ही हॉल में आप लोग को एकदम सेंटर में कुछ इस तरह मिलेगा, इधर लेफ्ट राइट दोनों साइड आप लोग को मिलेगा इस तरह बनावटी, बहुत ही सुंदर शिल्पकार है, देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया गया है। तो यहाँ लगा हुआ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो बाहर से कूपन ले लो। हाँ कूपन तो ऐसे भी तो घुस रहा है।
ये हम लोग को मिल गया है कूपन, ये है कूपन। यहाँ पे कुछ बार कोड दिया गया है जिसमें माय बुक फेयर ट्रेड का कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट का है अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो। यहाँ हम लोग अंदर घुस गए हैं, इंटर कर गए हैं। इंटर करने के साथ आपको और इधर लेफ्ट में इस तरह कुछ मार्बल और हैंडक्राफ्ट कुछ इस तरह काम किए हुए बैग्स, घर को सजाने के लिए पोर्ट्स, काफ़ी कुछ मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्बल पत्थर से किस तरह देव बोध साईं बाबा पोर्ट्स, वाटर फ्लावर, वाटर फाउंटेन इस तरह कुछ है। और यहाँ पे फिर आप लोग को मिल जाएंगे लिविंग रूम के लिए कुछ डेकोरेट करने के सामान, काफ़ी कुछ है। और वीकेंड था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मैं ज़्यादा उतना कुछ कैच नहीं कर पाई। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी लेकिन उस तरफ प्राइस भी था। देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर सोफ़ा सेट हैं, काफ़ी सुंदर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था और अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि अपना पर्स मोबाइल का अपना संभाल के रखे, पॉकेट मार, काफ़ी लोगों का इस तरह हुआ था। और इधर लड़की लोग का कुछ ज्वेलरी सामान है, इधर किचन का कुछ सामान है जो किचन एसेंशियल होते हैं, काफ़ी कुछ है। ये है आपका गैस ग्रिल, इधर वेजिटेबल कटर आपको दिखा रहा है, डेमो दे रहा है यहाँ पे। तो इस तरह छोटे छोटे स्टॉल आप के ज़रूरत हिसाब से आप ले सकते हैं और जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बजट थोड़ा हिल जाता है। काफ़ी कुछ महंगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगा है। यहाँ बच्चों के बुक्स हैं, यहाँ पे आप ब्लैंकेट ले सकते हैं जो गिदरा बोलते हैं, वो काफ़ी सुंदर सुंदर सिलाई किया हुआ था। यहाँ पे देखिए ईरानी ड्राई फ्रूट्स है, ईरानी है हनी, ये ईरानी ज्वेलरीज है कुछ यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान मिल जाता है। और ये है अफगानिस्तानी जो पत्थर, पता नहीं क्या पत्थर था, सारा कुछ जो आपका होम डेकोरेट करने के लिए आते हैं सारा कुछ यहाँ पे पत्थर का था, क्या पत्थर था पता नहीं। यहाँ पे ज्वेलरी भी जो थे वो भी आपके स्टोन के थे, सारा कुछ यहाँ पे स्टोन का ही था। ये देख सकते हैं अफगानिस्तान के सामान। और यहाँ पे मसाज, यहाँ पे मसाज करवाने का है, मसाज थेरेपी, तो यहाँ पे डेमो दे रहा है। और पॉकेट मारो से सावधान रहें, अपने पर्स मोबाइल की सुरक्षा स्वयं करें।
इसका लाइफ है ना। अच्छा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्राइस भाग रहा था, 4,000-6,000 इस तरह का आपका जो मसाजर था। यहाँ पे मुझे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ ऐसे ही। यहाँ पे फिर देख सकते हैं मसाज करवाते हुए, यहाँ पे मना किया जा रहा है, वीडियो अलाव नहीं है मैडम। यहाँ पे कुछ मसाले, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी, काफ़ी कुछ था लेकिन भीड़ के वजह से हम लोग उतना घूमे नहीं हैं। जहाँ थोड़ा बहुत खाली दिखा वहाँ गए हैं। और बाकी ये है लास्ट स्टॉल, जो यहाँ भी मार्बल और कुछ इस तरह से डेकोरेट का सामान था। वाटर प्लांट, यहाँ पे गणेश जी का देख सकते हैं मूर्ति, पत्थर से स्टोन से बनाया हुआ है। और ये है एग्जिट, एग्जिट के बाहर यहाँ पे थोड़े से कुछ स्नैक्स स्टॉल लगाए गए हैं। ये है मेन बाहर का हॉल। ये था ज्ञान भवन में जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, मेगा ट्रेड फेयर है। काफ़ी कुछ सामान थे जो आपको देखने के साथ पसंद आ जाएंगे, लेकिन आपका बजट भी काफ़ी ज़्यादा हिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा महंगे थे इस वजह से। अगर जानना चाहें, कुछ पसंद आए लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये है बाहर का, तो हम लोग आ गए हैं बाहर। तो ये था छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे है बापू सभागार, जो आपको ज्ञान भवन के लेफ्ट में मिल जाएगा। और ये है गेट, और अगर आप लोग घूमना चाहें तो जा सकते हैं सभ्यता द्वार। और अभी लगा हुआ है इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, वहाँ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने कुछ सामान ले सकते हैं घर डेकोरेट करने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।